सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम अपनी डेस्टिनेशन पंचगिनी जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं एंड हमारी बाइक भी रेडी है एंड बहुत मज़ा आने वाला है एंड आई होप आप सभी लोगों को भी उतना ही मज़ा आए। ये जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे हिल रेंज देख रहे हैं, ये फर्स्ट हिल रेंज है जो हमारे रास्ते में पड़ी है एंड अभी हम ये ब्यूटीफुल व्यू कैप्चर कर रहे हैं। और आई थिंक ये पहला टनल है जो अभी तक इस वे में आया है एंड यहाँ से पंचगिनी ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स दूर होगा। ये हमारी ब्यूटीफुल बाइक है, मैं और ये हमारे पीछे का वंडरफुल वंडरफुल व्यू। इसमें मछलियाँ लाके डाली हुई हैं क्या? सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ एंड द नेम ऑफ द विलेज इज टांडेगर एंड 2 किलोमीटर दूर है ना ये पंचगिनी से, 3 किलोमीटर दूर है एंड दिस इज़ द हाउस इन विच आई एम स्टेइंग। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि दिस विल बी रॉ स्टे जहाँ पे मतलब हम बिल्कुल विलेज में रहेंगे एंड नो होटल स्टेज नथिंग एंड एवरीथिंग विल बी रॉ। सो देखिए, सो विद द हेल्प ऑफ सम लोकल कॉन्टैक्ट वी गॉट अ प्लेस फॉर आर सेल्फ एंड स्टेइंग हेयर ब्यूटिफुल विलेज एंड आई शो यू माई रूम ऑल्सो इन विच आई एम स्टेइंग। सो हम विलेज में पहुंच चुके हैं एंड ये विलेज 3 किलोमीटर्स दूर है पंचगिनी से। सो अभी ऐसा है कि हम 5 बजे निकले थे घर से एंड काफ़ी रुकते रुकते भी आए एंड 107 किलोमीटर्स आई गेस हमने कवर किया है आज के डे में। सो आज का पूरा डे हमारा फोकस रहेगा पंचगिनी की तरफ, जितने भी यहाँ के स्पॉट्स हैं एवरी प्लेस और जो भी हिडन जेम्स ऑफ पंचगिनी है वील एक्सप्लोर दैम एंड सेकेंडली बाकी कल का डे हमारा फोकस रहेगा टुवर्ड्स महाबलेश्वर, वील गो टू महाबलेश्वर। तो आज रात को यहीं पे स्टे करके कल सुबह महाबलेश्वर निकलेंगे, देन बैक टू पंचगिनी एंड देन बैक टू पुणे। सो ये एक शॉर्ट ट्रिप मैंने इसलिए प्लान किया था बिकॉज़ जैसे हमारा स्ट्रेस फ्री लाइफ रहता है तो उसमें नेचर की एक बहुत इम्पोर्टेंस रहती है, प्ले करता है नेचर एक बहुत इम्पोर्टेंस प्ले करता है कि उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने में एंड हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, ताकि जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी है हम और अच्छा सोच पाएँ और अच्छा काम कर पाएँ और एक लाइफ में क्वालिटी लेके आता है ताकि लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो। ठीक है, तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड आगे का ब्लॉग वहीं से कंटिन्यू। सो दिस इज़ द विलेज, क्या जगह है यार घूमने का मज़ा तो ऐसे ही। लुक एट दीज हाउसेस, ब्यूटीफुल हाउसेस।
झरने की आवाज आ रही है नीचे। जब भी ये इनका घर ऊपर है और नीचे उतर के जाना पड़ता है मेन रोड पे, एंड देन मार्केट है, उसके बाद आगे है पंचगिनी। जैसा कि आप सब लोग सुन सकते हैं झरने की आवाज़, पता नहीं, आई डोंट नो आप लोग सुन पा रहे हैं नहीं कैंप, बट बहुत तेज़ यहाँ झरने की आवाज़ आ रही है। अभी यहाँ लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, आई थिंक ये रास्ता ऊपर जा रहा है, यही रास्ता होगा। हाँ मुकेश जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि बेसिकली इस जगह को पंचगिनी क्यों बोला जाता है? पंचगिनी एक्चुअली ब्रिटिश लोगों ने नाम बताया। अच्छा, यहाँ से यहाँ पे ऐसा टेबल प्लॉट करके ना पांच टेबल लैंड है। हाँ जी, हाँ जी, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर ए साइड है। हाँ, ए साइड 0.5 किलोमीटर है और हाँ, आगे 2-3 है, वो 4-5 किलोमीटर पे है। इसके लिए वो पंचगिनी का नाम ऐसा ही रहता है। अच्छा, ओके, सो फूड इज ऑल्सो हियर, ब्यूटीफुल लोकेशन। और ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ